Hello, good morning students. Welcome back to e-learning classes of Learners Academy English School. In this video, we are going to see class 11, chapter 1, collection of data. Today, I am going to discuss about questionnaire by enumerators. Meaning, in this method, enumerators themselves contact the respondent and get the response to the questions. Enumerators himself फिल द क्वेश्चनरीज इट मीन्स जहाँ पे हम इन्यूमरेटर्स रखते हैं वो खुद कॉन्टेक्ट करते हैं रिस्पोंडेंट के साथ और रिस्पोंडेंट से आपकी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं इट मीन्स वो खुद क्वेश्चनरी को फिल करेंगे दस द डिफरेंट बिटवीन द अर्लियर मैथड एंड दिस मैथड इज दैट इन अर्लियर मैथड ऑफ द क्वेश्चनरी इज सेंड टू द रिस्पोंडेंट बाय पोस्ट Whereas, in this method, the enumerators carry the questionnaire and personally meet the respondent. Last जो method की थी questionnaire by post और इसमें method में क्या difference है तो वहां पे हम questionnaire को by post देते थे और वहां से information collect करते थे But in enumerator system में क्या होगा कि आपके जो enumerators हैं वो खुद जाएंगे respondent के पास और वहां से collect करेंगे information. इट मीन्स कि वो पर्सनली मीट करेंगे देन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो फील्ड को वो फॉर्म को फिलअप करेंगे द इन्यूनेटर्स आर ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड टू क्रिएट फ्रेंडली एटमोसफियर विदाउट एंट्रिंग इन टू एनी कॉन्ट्रोवर्सी और शोइंग एनी डिसरिस्पेक्ट टूवर्ड्स द रिस्पोंडेंट अब क्या होगा जो इन्यूनेटर्स है वो खुद का इंफॉर्मेशन देगा फ्रेंडली रहेगा उन लोगों के साथ और उनके साथ अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ बात करेगा और उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा एडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनरी बाय इन्यूमिनेटर्स फर्स्ट द कंप्लीट करेक्ट एंड मोर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट बाय सिलेक्टिंग प्रॉपर इन्यूमिनेटर्स जब हम इन्यूमिनेटर्स को सिलेक्ट करेंगे इफ वो इन्यूमिनेटर प्रॉपर होगा तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट करेक्ट एंड मोर रिलेवेंट जो हमारी क्वेश्चंस है उसके रिलेवेंट मिलेगी सेकंड इन्यूमरेटर कैन गेट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बाय गिविंग प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू द रिस्पोंडेंट वो आर इलिटरेट और नॉट कोऑपरेटिव इट मीन्स जहां पे हमने देखा था लास्ट क्वेश्चनरी बाय पोस्ट में कि जो एजुकेट नहीं है या फिर इलिटरेट है वो क्या करेंगे क्वेश्चन को रीड नहीं कर पाएंगे इसलिए वो आंसर भी नहीं दे पाते बट इन्यूमरेटर में क्या होगा इन्यूमरेटर खुद उसको एक्सप्लेन करेगा आइदर उसको लिखना नहीं आ रहा है या पढ़ना नहीं आ रहा है तो इन्यूमरेटर खुद उसके क्वेश्चंस को रीड आउट करेगा आंसर्स मिलेंगे वो उसको फॉर्म में फिलअप करेगा थर्ड इन दिस मेथड देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ लॉस ऑफ क्वेश्चनरीज और इनकम्प्लीट आंसर द क्वेश्चंस अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे जो क्वेश्चंस गुम होने के चांसेस थे वो अभी नहीं होंगे कि हमारी क्वेश्चनरीज लॉस नहीं होगी एंड सेकंड जो हमारे इनकम्प्लीट आंसर्स मिलते थे पोस्ट के थ्रू बट इन्यूमरेटर खुद जाके क्वेश्चंस रीड आउट करके एक्सप्लेन करके उसके आंसर्स फिलअप कराएगा सो यहाँ पे इनकम्प्लीट आंसर्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं फोर्थ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन इज मोर रियलेबल इट मीन्स कि आपकी जो क्वेश्चन है उसके रिलेटेड ही आंसर सबको मिल पाएंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनरी बाय इन्यूमरेटर्स फर्स्ट समटाइम इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट एक्सपर्ट इन्यूमरेटर इन सफिशियंट नंबर अब क्या होगा जो हमें इन्यूमरेटर्स चाहिए उसकी क्वांटिटी मीन्स की नंबर ऑफ इन्यूमरेटर्स हमें नहीं मिल पाएंगे एंड सेकेंड एक्सपर्ट नहीं मिल पाएंगे इन्यूमरेटर तो मिल जाएंगे बट एक्सपर्ट भी होने चाहिए सो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा डिसएडवांटेजेस सेकंड ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ इन्यूमरेटर्स द रेम्यूनरेशन पेड टू इन्यूमरेटर्स इंक्रीज द टोटल कॉस्ट ऑफ इंक्वायरी जब हम लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी में इन्यूमरेटर्स रखेंगे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए तब उनको रेम्यूनरेशन इट मीन्स कि वो ट्रांसपोर्टेशन है या अदर एक्सपेंसेस है उसको हम प्रोवाइड करेंगे सो ये जब एक्सपेंसेस है इन सबका टोटल जो हमारी कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी सो ये क्या हो जाएगा एक्सपेंसेस मेथड हो जाएगी थर्ड
It is a very difficult task to train the untrained immunity for the inquiry. जब इम्यूनेटर्स को हम हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए रखते हैं तो हमें उन्हें ट्रेन करना पड़ता है. इट मीन्स इफ वो अनट्रेन है, उनको पता नहीं है कि इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करनी है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपको क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन्हें ट्रेन करेंगे. बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अनट्रेन इम्यूनेटर्स को ट्रेन करना. Even after training, it is not proper to believe that they will work skillfully, honestly and efficiently. यहाँ पे ये भी हो सकता है कि after training के बाद भी उनके skill नहीं आ सकती है या फिर वो honestly काम नहीं कर पाते. Hence, sometimes the information collected by them may not be reliable. It means कि उसकी वजह से क्या होगा, information जो हमें collect कर रहे हैं वो reliable नहीं होगी. Fourth, this method becomes unsuitable when the respondents are spread over a wide area. In these circumstances, the cost and time of inquiry increase. क्या होगा कि respondent जो spread होता है अलग अलग different areas से information collect करता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, cost भी ज्यादा लगेगी और timing भी ज्यादा जाएगा. Fifth, इम्यूनेटर्स हैव टू एडजस्ट विद द कन्वीनियंट टाइम टू रिस्पॉन्डेंट और समटाइम्स इम्यूनेटर्स हैव टू विजिट टू और थ्री टाइम्स टू द सेम रिस्पॉन्डेंट. अभी क्या होगा, जो इम्यूनेटर्स है बार बार एक ही जगह पे एक ही पर्सन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फिनिश द इंक्वायरी विद इन द स्टिपुलेट टाइम. इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है उसमें से उस टाइमिंग के दौरान आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाते हो, बिकॉज ऑफ आपका टाइमिंग बहुत बार वेस्ट होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो आपको मीनिंग ऑफ क्वेश्चनरी बाय इम्यूनेटर्स, देन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, आपको फोर पॉइंट्स उसके बुक में लिखने हैं. ओके, थैंक यू.